ढूंढा बैठी अग्नि में आपा लिया मिठा। प्रहलाद पढ़ने गए आए, पिताजी ने पूछा कहाँ है तेरा भगवान? सर्वस्व खंबे में हे। शाम का समय था, गदा का प्रहार करा, खंबा टूटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु, ना नीचे मरे ना ऊपर, जंघा पर मारूंगा, ना अंदर ना बाहर, देहली पर मारूंगा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नख से मारूंगा, ना दिन में ना रात में, शाम को मारूंगा, ना नर से ना पशु से, नरसिंह बनकर आया हूं, ना ही 12 महीने में मारूं, इसलिए एक अधिक कर अधिक मास में आया। कौन सा महीना? बीच में से फाड़ दिया, आंतों को निकाल दिया। शिव महापुराण में ये नरसिंह भगवान की कथा क्यों लिखी? यहां तक कथा तो भागवत में भी, पर इस कथा को क्यों रचा वेदव्यास जी ने? अब कथा का विस्तार वेदव्यास जी ने कर दिया। शिव महापुराण में वर्णन करा बाबा भोलेनाथ की कथा का, और वर्णन कर कर कहा नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकशिपु को मारा, प्रहलाद को जिभ्या से चाटा, क्रोध आ गया और बाबा को इतना क्रोध आया, नरसिंह भगवान को इतना क्रोध आया, जहां जाते वहीं तोड़ फोड़ कर देते। एक बार बैकुंठ में गए तो बैकुंठ का सिंहासन तोड़ दिया, बड़ी कष्ट लगा। सारे देवताओं ने जाकर लक्ष्मी जी के कहने से, माता लक्ष्मी ने भगवान ब्रह्मा से कहा कुछ करिए, ब्रह्म देव मेरे पति का क्रोध शांत कर दो। ब्रह्मा जी बोले भैया हम नहीं जाएंगे, हम जाएं हमें बीच में से फाड़ देगा, हम नहीं जाएंगे। हमेशा याद रखो, पति को गुस्सा आए तो पत्नी से निवेदन है कभी सामने मत जा, जाना है तो छोटे से बच्चे को आगे कर दो पर तुम मत जा, क्योंकि तुम्हारे कारण तो गुस्सा आया, अपने नहीं जाना, कभी मत जा, छोटे बच्चे को भेजो, घर में जो छोटा बच्चा हो ना उसको भेज दो, जा तू जा। पिताजी को चाय दिया और पिताजी इसको गोदी में बिठा कर पूछेंगे चाय जा, प्रेम आनंद वश सुखवश, क्रोध कम नहीं हुआ। जब नरसिंह भगवान का क्रोध बढ़ता गया बढ़ता गया, इतना क्रोध बढ़ा नरसिंह भगवान का, इतना क्रोध बढ़ा कि भगवान शंकर ने कहा अब कुछ करना पड़ेगा, और बाबा भोलेनाथ ने भगवान ब्रह्मा को बुलाकर कहा मैं एक पक्षी का रूप रखता हूं, जिसने गिद्ध जैसा रूप एक बड़ा सा शंकर भगवान ने रख लिया, और नरसिंह भगवान क्रोध कर रहे थे, उनको उठाया पंजे से, भगवान शिव ने शरंब रूप धारण करा। कौन सा रूप? शरंब। बोले शरंब भगवान की। शरंब रूप धारण कर भगवान नरसिंह को उठाया, कहां ले गए? ले जाकर क्रोध को शांत करने के लिए शीतल जल की जरूरत होती है, शीतलता की जरूरत होती है, इसलिए भगवान नरसिंह को उठाकर शरंब भगवान ने अलकनंदा नदी में फेंक दिया। किसको? अरे बोलो तो, नरसिंह भगवान। भगवान नरसिंह को ले आकर अलकनंदा में फेंका, जैसे अलकनंदा की डुबकी लगी, अब अलकनंदा का पानी कितना ठंडा, एक डुबकी तुम लगा लो तो तुम ही ठंडे हो जाओ, तो वो तो नरसिंह भगवान। लगाते ही नरसिंह भगवान एकदम क्रोध शांत, जैसे क्रोध शांत हुआ नरसिंह भगवान वहीं रह गए, वहीं रह। लक्ष्मी जी ने पूछा भोलेनाथ मेरे पति को कहां पर छोड़कर आ गए? भोलेनाथ जी ने कहा जिस नगरी को तूने हमसे छुड़ाया था उसी नगरी में तेरा पति है। लक्ष्मी जी ने जाकर विनती करी, नरसिंह भगवान को वापिस लिया, लिया तो देवताओं ने रोका, प्रभु अलकनंदा नदी ने कहा आपके रहने से मेरी शान है, आप रहिए। भगवान नरसिंह शिला के रूप में वहां पर विराजमान हो गए। आप में से अगर कोई बद्रीनाथ गया होगा तो बद्रीनाथ का पुल जब हम पार करते हैं, अलकनंदा नदी के बीच में राइट में एक नरसिंह शिला है, वो नरसिंह शिला नरसिंह जी के नाम से बनी हुई है, आज भी विराजमान। किस किस ने करें दर्शन? करें दर्शन नरसिंह शिला के, बहुत बढ़िया। आज भी बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी के बीच में नरसिंह शिला विराजमान, नरसिंह शिला।
और अगर कभी बद्रीनाथ जाओ, कभी जाओ तो पूछना वहाँ के पंडाओं से, पूछ लेना भैया नरसिंह शिला कौन सी, बता देंगे आपको ऊपर पुल पे से, ये नरसिंह शिला नरसिंह जैसी लगती है, विकराल था, सिंह की आकृति, मनुष्य साधा, वो नरसिंह शिला।